सर, जैसे कि आप ऑल इंडिया टेररिस्ट फंड के प्रेसिडेंट हैं इंडिया में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आम जनता है वो ये चाहती है जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्रिमिनल्स की तरह से ट्रीट किया जाए, ना कि एक सेलिब्रिटी की तरह से, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे देश की राजनीति अच्छी होगी तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। हमारी देश की राजनीति जितनी देर तक अच्छी नहीं होगी तो कुछ ठीक नहीं होगा। जी। क्रिमिनल क्रिमिनल है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो आम है, चाहे वो गरीब है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। पर क्रिमिनल को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान में होगी कि क्रिमिनल लोग राजनीति में बहुत आ रहे हैं, उनके पास गलत तरीके का पैसा है और वो पॉलिटिक्स में बड़े पॉलिटिशियनों को फंड दे करके कुछ करके बहुत आ जाते हैं। तो यह सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश की राजनीति को पहले सुधारना है, फिर उसके बाद क्राइम ठीक होगा। अगर राजनीति नहीं सुधरेगी तो क्राइम ठीक नहीं होगा, आतंकवाद ठीक नहीं होगा, क्रिमिनल जो है वो ठीक नहीं। सर, जैसे कि कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, वो भी एक तरीके का टेररिस्ट है, मतलब भगवान ने कुछ चीज़ दी है उनको लेकिन कुछ उनसे छीन भी लिए हैं, वो भी एक तरीके का टेररिस्ट इंडिया में है, तो उस तरह से आपकी संस्था क्या कर रही है उन बच्चों के लिए? देखो, हम तो जो विक्टिम हैं, जो विडोज हो जाती हैं, उनके लिए मदद करते हैं। इसके लिए हम जो हो सकता करेंगे, पर इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत है जिनको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए। कितने बच्चे होंगे, सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज पॉलिटिकल पार्टियां, जो सरकारें हैं, उनका इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। और जो एनजीओज हैं, वो एनजीओज भी कुछ हैं, पर ऐसी अच्छी एनजीओ मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं देती है जो टेररिस्ट विक्टिम फैमिली हो, ऐसे बच्चे हों, गरीब हों, हॉस्पिटल में किसी की मदद करने, किसी गरीब की, वो कोई है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत राजनीति से ही होगी, अच्छी राजनीति से होगी। मतलब आपका मानना है कि राजनीति सुधरेगी तो पूरा देश सुधरता अपने आप चला जाएगा? राजनीति नहीं सुधरेगी, देश नहीं सुधरेगा, जितना मर्जी कर लो। जी। मैंने किसी को मैं कहा था कि एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे देश के लोग, सॉरी बेटा, हमारे देश के लोग जो हैं बड़े सीधे और भावुक हैं। हमारे देश के लोगों को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। और किसी को कहा कि एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, मजाक से कहा, यूनिवर्सिटी में क्या होगा, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप होगा। मैं दोस्त को बोला, आज कहना बड़ा अच्छा है, मैं कहा पर आगे हंसना मत, क्योंकि हमारे देश के लोग भावुक हैं। अच्छा भाषण को देता उसके पीछे लग जाते हैं, मैं भी लग जाता हूँ, किसी पार्टी का अच्छा है तो लग जाता हूँ, बाद में निकलता कुछ और है। तो मैंने उनको कहा कि एक लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप खोला जाए, ज़मीन अलॉट की जाए सरकार से और यूनिवर्सिटी खोली जाए, जितने चोर बदमाश लुच्चे गुंडे उसमें शामिल कर लिए जाएं, उनको अच्छा भाषण सिखाया जाए। ये बच्चे तो अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा भाषण सिखाया जाए, जब अच्छा भाषण सीख लेंगे, लोगों को भावुक करेंगे, चार ग्रुप बना दिए जाएँ। मैं एक वैसे आपको इस देश के एक जो लोगों की भावनावां है, जो लोगों की भावनावां को हम गलत राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी एक बात बताता हूँ। मैं कहा चार ग्रुप बन जाएं, साल के लिए कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा है, ये लोगों को भावुक कर देता है। साल बाद कहेंगे यार ये तो बेकार है, अच्छा था ये तो बेकार है, दूसरा लाओ, अरे ये भी अच्छा है, फिर दो साल भर गए ये बेकार है, फिर तीसरा लाओ, फिर चौथा लाओ। होंगे वही, एक चोर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, है हम सब चोर। हमारे अंदर जो एक भावना होनी चाहिए देश प्रति, कि हम यही कहते रहेंगे यार वो कांग्रेस अच्छी थी, फिर कहेंगे कांग्रेस आ गई, फिर कहे यार मोदी जी अच्छे थे, फिर मोदी जी चले गए, नहीं यार वो मुलायम सिंह यादव अच्छा था, क्या इसी में देश गुजर जाएगा? तो हमारे देश की लोगों की जो एक भावनाएं हैं, उसके लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या 100-125 साल ये जो चार ग्रुप हैं यही लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे, युवाओं को, खासतौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी पत्रकारी की तरफ आ रही है, उनके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके अंदर एक ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, वो सोच ये समझ सकें कि ये जो आदमी बोल रहा है हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। हमारी देश की लोगों की जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, नहीं तो 100-150 साल तो ऐसे निकल जाएगा, आगे फिर निकल जाएगा, देश तो वैसे का वैसे खड़ा है, हम यही कहते रह गए, कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस आ गई, मोदी जी अच्छे थे यार, बोलते बड़ा अच्छा थे, वो आ गए, मुलायम सिंह बड़ा यार वो ऐसा था, चल यार उसको भी ले आओ, 100-125 साल तो इसीलिए इसी में। थैंक यू सर।